एक्साइटी घटित हो गई। इस वक्त हमारे साथ बच्ची के पिता हैं, हमने इनसे कहा चेहरा ढकने के लिए, लेकिन बिल्कुल तैयार नहीं है ये। और एसआईटी अब गठित हुई है, जो एसएसपी हैं अलीगढ़ के, उन्होंने एक एसआईटी का गठन कर दिया है। क्या Hello? कहना चाहते हैं आप? क्या हुआ? एसआईटी का गठन किया गया है, एसपी क्राइम, एसपी रूरल, सभी लोगों के अगुवाई में एक टीम बनाई गई है 6 पुलिस वालों की, जो पूरे मामले की जांच करेंगे। नहीं, उससे तो जब है पहले, अभी क्राइम ब्रांच वाले जो लगे हुए हैं पहले इनसे संतुष्ट मेरे को प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये सारा जो शासन प्रशासन लगा हुआ है, इनका टाइम है कुछ, उसके बाद इसकी एसआईटी की मांग के करेंगे। जो इनसे संतुष्ट नहीं होंगे तो जब मांग करेंगे। एसआईटी गठित हो चुकी है? हो चुकी है एसआईटी गठन। अच्छा बताइए, जब आप पहली बार कंप्लेन लेके गए 30 तारीख को, जिस दिन बच्ची आपकी गायब हुई, उस दिन कैसा रवैया था पुलिस का? उस दिन लूजिंग पॉइंट था, जो कि अगर वो करते तो ये घटना नहीं घटती थी, लूजिंग पॉइंट था उनका। उसके बाद क्या क्या हुआ, पूरी बात बताते रहे? नहीं, उसके बाद तो जैसे हमने कंप्लेंट कराई, अपना सीटीवीडी कैमरा वगैरह इन्हें चेक किए, और चेक करने में उसी में टाइम व्यतीत हो गया। हिमांशु, हम आएंगे आपके पास। अच्छा, इस वक्त डीजी लॉ एंड ऑर्डर आनंद कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं। आनंद कुमार जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, बेहद दुखद घटना और शर्मिंदा करने वाली घटना। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे, अब जाकर एसआईटी गठित होने की बात कही जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर यह बहुत ही नृशंस और हृदय विदारक घटना है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि यूपी पुलिस इसमें फौरी कार्रवाई कर रही है, और इसमें दो अभियुक्त जो प्रकाश में आए हैं परिवार के कथन अनुसार, उनको गिरफ्तार करके दिनांक 4 जून को जेल भेजा जा चुका है। परिवारजनों के आधार पर, उनके बयानों के आधार पर, और बाकी एविडेंस कलेक्शन के आधार पर, और भी जो भी अभियुक्त इसमें संलिप्त होंगे, उनके विरुद्ध भी फौरी कार्रवाई की जाएगी। परिवारजनों ने अपनी बातें कही हैं, एक एसआईटी का गठन भी किया गया है, और एसआईटी में एसपीआरए, वहाँ के सीओ और 4 इन्वेस्टिगेटर्स लगाए गए हैं। फोरेंसिक साइंस की टीम भी लगाई गई है, और एक्सपर्ट्स लगाए गए हैं सर्वेलेंस के और एसओजी के। पूरी तरीके से इस घटना का, जो भी इसमें लिप्त होंगे, संलिप्त होंगे, उनको कानून के दायरे में लाया जाएगा, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ पॉक्सो एक्ट जो लगा हुआ है, उसके लिए डेजिग्नेटेड कोर्ट के माध्यम से हम लोग प्रयास करेंगे कि कठोर से कठोर सजा और जल्द से जल्द इसमें हो। जी आनंद जी, लेकिन आपको नहीं लगता है कि अगर सही वक्त पर कार्रवाई की जाती, जिस वक्त माता पिता गए हुए थे बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो शायद ये घटना घटती ही नहीं? देखिए, जो प्रथम दृष्टया जानकारी प्राप्त हुई है, परिवारजनों का आरोप है कि उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी, उसमें शायद कुछ हिलावाली हुई है। हम लोग ने प्रथम दृष्टया अकर्मण्यता का और लापरवाही का दोषी पाते हुए वहाँ के प्रभारी निरीक्षक को तत्काल सस्पेंड कर दिया है, और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी इंस्टीट्यूट कर दी है। साथ ही साथ आपको मैं अवगत कराऊँ कि 30 तारीख को ये परिवारजनों ने बताया कि बच्ची खेलने के लिए बाहर निकली थी, उसके बाद वो नहीं लौटी। दिनांक 31 मई को इसमें 363 IPC के तहत अभियोग दर्ज किया गया था, और बच्ची के लिए तलाश भी की गई थी। हाँ, ये अलग बात है कि बच्ची को पुलिस, वहाँ की लोकल पुलिस, जिंदा नहीं बरामद कर पाई, और बहुत ही दुखित करने वाली ये घटना घटित हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जो बातें आई हैं, उसमें शॉक एंड हैमरेज, शॉक एज अ रिजल्ट ऑफ एंटीमार्टम इंजरीज आई हैं। बॉडी में कई तरह के उसमें एंटीमार्टम इंजरीज का समावेश जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है जी, वो है। आनंद जी, इस वक्त उस बच्चे के पिता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या आप उस बच्चे के पिता कुछ उनसे पूछना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस वक्त एडीजी जुड़े हुए हैं हमारे साथ अलीगढ़ के, आप कुछ उस बड़े अधिकारी से कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, यानी ऐसी घटना आगे के लिए नहीं हो, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, यानी फांसी, सीधी फांसी की सजा। जो भी दोषी है, जो दोषी है उसको फांसी की सजा मिले, निर्दोष कोई आए नहीं और दोषी बचे नहीं, यानी फांसी की सजा, यही मैं कहना चाहता हूँ आखिरी बार। श्वेता जी, सीधे फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं, लेकिन निर्दोष कोई फंसे नहीं, ये भी कह रहे हैं। आनंद जी, कैसे आश्वस्त करेंगे आप उनके पिता को?
मैं आपके माध्यम से पीड़ित पिता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस आपके साथ खड़ी है और जो भी इसमें अभियुक्त हैं जो सामने आ रहे हैं आपके कथन अनुसार और वहां पे साक्ष्य के आधार पे उनको बख्शा किसी भी कीमत पे नहीं जाएगा। और ये भी मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि पॉक्सो एक्ट के माध्यम से डेजिग्नेटेड कोर्ट के माध्यम से फास्ट ट्रैक मोड पर इनको सजा दिलाई जाएगी और इसमें फांसी तक का प्रावधान है। तो आप आश्वस्त रहिए, मैं हम अपनी तरफ से आपके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं इस दुख की घड़ी में और हमेशा आपके साथ रहेंगे। और जो भी कुछ आपका कहना है उसको हम फैक्टर करेंगे अपनी इन्वेस्टिगेशन में। एक SIT का गठन किया गया इस केस की को प्राथमिकता पर लेते हुए और पूरी संवेदनशीलता के साथ और पूरी अपनी शक्ति कानून की शक्ति के साथ इस केस में हम कार्रवाई करेंगे जिससे कि न्याय हो आपके साथ और जो नृशंस हत्या हुई है उनके हत्यारों को फांसी तक की सजा मिले, ये हमारा प्रयास रहेगा। आनंद जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि अभी तक के जो इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं और आप जैसे बता रहे हैं कि पॉक्सो एक्ट भी इसमें लगाया गया है, तो क्या अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में रेप की पुष्टि भी हुई है? देखिए, चूंकि बॉडी 72 घंटे से पुरानी हो गई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा गया कि इसमें कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए स्वाब को FSL लैब भेजा जाए, तो हम लोगों ने कई FSL लैब वजाइनल स्वाब लेकर के FSL लैब को भेजा गया है और कन्फर्मेशन FSL लैब की रिपोर्ट के आधार पर ही होगा। लेकिन घटना जो घटित हुई है, चूँकि बॉडी डिकम्पोज थी, प्यूट्रिफिकेशन हो गया था, तो कई बॉडी पार्ट्स डैमेज हो गए हैं और मैगट्स की भी प्रेजेंस पाई गई है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर अंकित है। इसलिए कन्फर्मेटरी रिपोर्ट एक बार आ जाएगी FSL से तो ये कन्फर्म हो जाएगा, लेकिन उस वो आने के उसके लिए हम वेट नहीं करेंगे। इसमें हम कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से लगे हुए हैं और जो भी इसमें और अभियुक्त होगा उनको तत्काल फौरी तौर पर गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा और इन्वेस्टिगेशन बहुत ही साइंटिफिक तरीके पे फोरेंसिक एविडेंस के आधार पर की जाएगी। बिल्कुल हिमांशु, आप लगातार हमारी बात भी सुन रहे हैं, आप बच्चे के पिता को ये बताएं कि अभी तक जितनी भी कार्रवाई हुई है, पुलिसिया कार्रवाई हुई है, क्या वो संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से या फिर वो कुछ और चाहते हैं? देखिए, अभी तक जो 30 तारीख जब आप पहली बार लेकर के थाने में अपनी शिकायत गए थे गुमशुदगी की, और आज तक जो भी पुलिस की कार्रवाई रही है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं या कहीं पर आपको कुछ कमी लग रही है? अगर कमी लग रही है तो आप बोलिए, आपके साथ बड़े अधिकारी जुटे हुए हैं, वो आपकी सारी बात सीधे सुनेंगे। नहीं, 30 तारीख को जब मेरी बच्ची 8:30 बजे निकली थी, उससे तो नहीं संतुष्ट। अगर वो चाहते तो कंप्लेंट लिखते मेरी और तो ये घटना नहीं घटती। परंतु बॉडी को मिलने के बाद मैं प्रशासन जो भी है ये सारे इस काम में जुटे हुए हैं, यानी पूरी सहायता से, पूरे मन से, धन से काम कर रहे हैं ये। ठीक है, बॉडी मिलने के बाद में तो मतलब अब आप पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उससे आप संतुष्ट हैं फिलहाल? संतुष्ट यही है कि उनकी परिवार वालों को अरेस्ट करने के लिए मैंने बोला था, अभी तक वो नहीं हो पाए, तो इसीलिए मैं संतुष्ट नहीं हूँ अभी। आपको क्या लगता है कि सिर्फ पैसा ही वजह थी या फिर और कोई वजह हो सकती है? पैसे की तो कोई वजह ही नहीं थी, ऐसा तो सोच भी नहीं सकते थे हम जो कि पैसे से ऐसा घृणा, इतना बड़ा अल्जाम पहुँचाएगा हमारी। तो फिर क्या वजह है? अब क्या लगता है आपको? क्या लगता है मेरे को? क्या लगता है, ये कुछ लोग बढ़ावा दे देते हैं ऐसी घटनाओं को, जैसे अब आगे के लिए 10 बार सोचे आदमी ऐसी फांसी की सजा हो इनको तो ऐसा बढ़ावा नहीं मिलेगा, तो ये आगे आदमी ऐसा इल्जाम नहीं पहुंचाएगा। ठीक है जी श्वेता, बिल्कुल यही कहना है। आनंद जी, आपने सुनी पिता की बात, जाहिर सी बात है कि मर्माहत है और इस वक्त एक बच्ची अपनी बच्ची को खोना क्या होता है ये एक पिता ही बेहतर समझ सकता है या वो परिवार बेहतर समझ सकता है जिसने जो इस दौर से, इस घटना से गुजर चुका हो। आनंद जी, सबसे पहली बात तो ये, पिता बार बार ये कह रहे हैं कि अगर पहले पुलिस जाग गई होती तो शायद ये घटना ही नहीं घटती। पहला सवाल तो आपसे ये कि आखिर क्यों ये लूपहोल है, क्यों पुलिस की तरफ से ये बार बार देखा जाता है कि जब कोई रिपोर्ट लिखाने के लिए जाता है तो पुलिस लिखने को तैयार नहीं होती है? क्या वो आगे की कार्रवाई से डरती है या वो कार्रवाई आगे करना नहीं चाहती है और बाकी आगे के जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उसको लेकर के उसको लगता है कि किस झंझट या झमेले में पड़ना, क्या ये सीधे समझा जाए? और दूसरा सवाल आपसे ये कि पॉक्सो एक्ट की बात आप कर रहे हैं कि वो लग गया है, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन के जो FSL जो रिपोर्ट आने हैं वो रिपोर्ट अभी आया नहीं है, तो फिर ये एक्ट लगा कैसे?
देखिए मैं आपको ये बता दूं कि जहां तक उत्तर प्रदेश पुलिस की बात है, हमारा पूरा प्रयास रहता है कि महिलाओं और बच्चों के प्रति जो अपराध है उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत ही संवेदनशील रहे है। और ये एक एक्सेप्शनल घटना हुई है जिसमें कि प्रथम दृष्टया वहाँ के थानाध्यक्ष की लापरवाही परिलक्षित हुई है और इसीलिए प्रथम दृष्टया उनको दोषी और कर्मण्यता का दोषी पाते हुए निलंबित किया गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी हुई है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से बच्चों और महिलाओं के अपराध के प्रति बहुत ही संवेदनशील है और हम लोग का ट्रैक रिकॉर्ड भी अगर आप देखें तो हमारा कन्विक्शन रेट भी बहुत हाई है। जो ऐसी घटना होती है इसको बहुत ही सीरियसली लिया जाता है, टॉप प्रायोरिटी पर लिया जाता है। मैं आपके माध्यम से पीड़ित पिता के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और अब अगर इस तरह के उनकी फीलिंग है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूं उनसे और मैं सार्वजनिक रूप से ये कह रहा हूं कि अगर कोई कमी हुई है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस के बिहाफ पे जी। और इसमें आगे जो भी कार्रवाई बनती है। एक आखिरी बात आपसे सुनना चाहेंगे लोग कि दोबारा इस तरह की घटना सामने ना आए, क्या कहेंगे आप एक लाइन में अगर कहना हो? आपने पॉक्सो का सवाल पूछा था तो यह मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि पॉक्सो लगाने के लिए एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है कि किस उम्र के बच्चे के साथ अगर कोई घटना घटित होती है तो पॉक्सो एक्ट का इस्तेमाल होता है। यहाँ कोई ऑप्शन नहीं होता है पुलिस के प्रति या पुलिस के पार्ट पे। तो पॉक्सो एक्ट इसलिए लगाया जाता है जिससे कि बच्चों के प्रति अपराध जब घटित होता है उसकी संवेदनशीलता को हाईलाइट करने के लिए, इसलिए वो पहले से ही लगा हुआ था जी। और पॉक्सो एक्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सजा कराने का प्रावधान है जो उसका हम लोग पूरी तरीके से पालन करेंगे। आनंद जी, हम चाहेंगे